किसी किसी को महोगाव की हवा गर्म क्यों लग किसी किसी को महुगाव की ठंड हवा भी गर्म क्यों लगती है। किसी किसी को महुगाव की ठंड हवा भी गर्म क्यों लगती है। किसी किसी को धर्म की बात अधर्म क्यों लगती है। अबे रिश्ते में भीम जी के साले और ससुर लगने वालों, अबे तुम्हें हमारे साथ जय भीम करने में शर्म क्यों लगती है। तुम्हें तिरंगे के ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेक खुददारी के सच्चाई में है भीमराव अंबेडकर, इंसानियत के गहराई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत के हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत के अच्छाई में है भीमराव अंबेडकर। जुल्म के खिलाफ जुल्म के खिलाफ हर आदमी ने लड़ना चाहिए। गुरुवरिया अनुरुद्ध जी शिवाड़े साहब लिखते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर आदमी ने लड़ना चाहिए, अत्याचार को रौंदते हुए हर पल आगे बढ़ना चाहिए। भारत के सरजमी पर जो पैदा हुआ है शिवाले जी, सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पढ़ना चाहिए। संविधान ने वो हक अधिकार दिया है, गूंगे को वो जबान दी है। तुम सत्ताधारियों से सवाल कर सकते हो, अपना हक मांग सकते हो, अपना हक छीन ले सकते हो, विरोधियों को टोक सकते हो, जालिमों को रोक सकते हो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ सकते हो। वो मेरे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। मेरे बाबा साहब ने वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, हर किसी को यह अधिकार दिया है। इसलिए तो मेरा कहना है साथियों, इस देश में बंगले में रहने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, झोपड़ियों में झुग्गियों में रहने वाले सभी को एक साथ बिठाकर मेरे बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है। इसलिए वन मैन वन वोट वन वैल्यू संविधान ने कहा है। इसलिए तो मेरा कहना है क्या, आजाद भारत की जान, आजाद भारत की जान। सर एक एक शब्द को सुनिएगा। आजाद भारत की जान संविधान है, 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 आजाद भारत की जान संविधान है।
हर इंसान की आजादी, हर व्यक्ति की आजादी संविधान है। हर व्यक्ति की आजादी संविधान है। संविधान पर भी डाका हो सकता है मेरे भाइयों, के संविधान पर भी डाका हो सकता है। हाँ, फिर से बहुजन या गुलाम हो सकता है। संविधान पर भी डाका हो सकता है, फिर से यहाँ बहुजन गुलाम हो सकता है। ये नोट लेकर अगर वोट भेजोगे तो एक दिन तुम्हारा भी बाल बाका हो सकता है। महापुरुषों के इस भारत को हमें अभिमान होना चाहिए। पिछली बार में बड़े आवाज आ रहे थे कि देश का राष्ट्रीय ग्रंथ, कोई बोले गीता होना चाहिए, कोई बोले कुरान होना चाहिए, कोई बोले महाभारत होना चाहिए। इधर आवाज आती है कि हिंदू खतरे में है, दूसरी ओर से आवाज आती है कि मुसलमान खतरे में है। लेकिन मेरे भाई, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। सही मायने में देखा जाए तो इस भारत का संविधान खतरे में है। सही मायने में देखा जाए तो इस भारत का संविधान खतरे में है, क्योंकि महापुरुषों के इस भारत पे हमें अभिमान होना चाहिए। कोई कहता है गीता राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, कोई कहता है कुरान राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, कोई बोलता है महाभारत राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, लेकिन पुरुषों, महापुरुषों के इस भारत पे हमें अभिमान होना चाहिए। बहुजनों, तुम्हारा जिंदा स्वाभिमान होना चाहिए। अरे दुश्मनों की औकात दिखानी होगी तुम्हें एक होकर। अरे इस देश का राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान होना चाहिए। वही बना घटनाकार, वही बना घटनाकार, चर्चा सरे आम है। वही बना घटनाकार, चर्चा सरे आम है। यावेद शेख लिखते हैं, एक मुस्लिम शायर, एक मोमेडियन शायर लिखता है मेरे बाबा साहब के शान में, कि कोई चीख कर चला गया तो कोई चिल्ला कर चला गया, कोई चीख कर चला गया तो कोई चिल्ला कर चला गया, कोई स्कूल में अपना सबक सिखा कर चला गया, मगर एक अछूत का बच्चा स्कूल के बाहर बैठा रहा और इस भारत देश की तकदीर लिख कर चला गया। भीम के लिखे कानून से,
भीम के लिखे कानून से भारत महान है। महिलाओं को नौकरियों में खास तौर पर प्रायोरिटी मेरे प्राधान्य मेरे बाबा साहब ने दिया। बाबा साहेब जेव कामगार मंत्री होते त्या कोयलाच्या खजानीमध्ये काम चालू होतं, कितीतरी जमिनीच्या आत ते काम चालू होतं। जेव्हा बाबासाहेब ते काम बघण्यासाठी आतमध्ये उतरले, जे बाबासाहेब कोयले की खान में उतरे तो देखे एक प्रेग्नेंट महिला, एक गर्भवती महिला वो कोयले के खान में काम कर रही थी। तो बाबासाहेब ने उसके तरफ देख कर उसे कहा कि आप क्यों काम कर रहे हो, आपके बच्चों को, आपके पेट में पल रहे बच्चों को कुछ नुकसान हो सकता है, आपको भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो वो महिला ने बाबा साहब को उत्तर दिया, बोले साहब दिन में मैं काम करती हूँ, रात में मेरा आदमी काम करता है, जो भी पैसे मिलते उससे हमारा गुजारा होता है साहब। ये सोचकर बाबा साहब को बात बड़ी हैरान हुई, बहुत हैरान हुए बाबा साहब की ये गर्भवती महिला कोयले के खान में काम कर रही है, अगर कुछ हादसा हो जाए तो इसके बच्चे होने वाले बच्चे का क्या, इसका क्या। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रात भर नींद नहीं, बहुत सताई वो बात बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने आर्टिकल लिखा, बाबा साहब ने कायदा लिखा, और इस देश के कोई भी जाति धर्म की महिला हो, मैं फक्त जय भी महाराजी गोष्ट करत नहीं बर का, कुणबी तेली तांबोळी ब्राह्मण कुलकर्णी असो, देशपांडे असो, जोशी असो, गजबे असो, डोंगरे असो, टिंबुरने असो, कोणत्याही आडनावाचे असो हो, कोणत्याही किसी भी जाति धर्म की महिला हो, अगर वो गवर्नमेंट नौकरी पे है, अगर वो शासकीय सेवा में है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे 6 महीने की प्रेग्नेंसी लीज दी जाती है, 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, और उसका 1 भी रुपया उसके पगार से काटा नहीं जाता। ये मेरे बाबा साहब का दिया वरदान है। इसलिए तो मेरा कहना है कि चुनकर देते हैं सरकारें, भीम का दिया मताधिकार है। अबे जो ना चले कानून से सरकार है उनका अब धिक्कार है। भारतीय महिलाओं से कहता है विजय, पहले भारतीय संविधान को पढ़ो। अरे प्रेगनेंसी में जो मिलती है छुट्टी वो भीम का दिया वरदान है। हक और अधिकार जहां सबके बराबर, भारत का हर जिंदा इंसान है, भारत का हर जिंदा इंसान है, भारत का हर जिंदा इंसान है, भारत का हर जिंदा इंसान है। मेरे भाइयों, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीन के लेने पड़ता है, क्योंकि
चट्टानों पे कमल खिलता नहीं कभी, चट्टानों पे कमल खिलता नहीं कभी, बिन हवा के पेड़ का पत्ता हिलता नहीं कभी। ए मनोज राजा, परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है रे, अरे परिवर्तन भीख में मिलता नहीं कभी। एक एक अल्फाज को सुनो। इस गीत के शायर हमारे गुरुवर्य शेवाड़े साहब अनिरुद्ध जी शेवाड़े साहब नागपुर से लिखते हैं। क्या कहते हैं वो? दुनिया भी मानती है आज शेवाड़े साहब, बाबा साहब के हम सब पर, बाबा साहब के हम सब पर ऐसा रहे, हर व्यक्ति की आजादी, हर इंसान की आजादी संविधान है।